16, यूनिट नंबर 13, एक्सरसाइज का पेज नंबर है हमारे पास 63। आज हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है वी कैन हेयर विद आर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो यहाँ आएगा ट्रू। टी लिखेंगे। सेकेंड है हमारे पास ओनली लिविंग थिंग मेक साउंड, सिर्फ जानदार आवाज़ें बना सकते हैं, जबकि हमने चैप्टर की रीडिंग में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग के थ्रू आवाज़ें बना सकते हैं, तो यहाँ आएगा फॉल्स। एफ। थर्ड है हमारे पास साउंड इज समथिंग दैट वी हेयर, आवाज़ वो है जो हम सुनते हैं, यहाँ आएगा ट्रू। टी। अब हम करेंगे पार्ट सी, नेम द पिक्चर इन द ऑर्डर 1 to 4। हमने ये जो पिक्चर्स हमें बुक में दी गई हैं इनकी नंबरिंग करनी है 1 to 4, फ्रॉम लाउडेस्ट टू लोएस्ट, जो सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ है सबसे कम आवाज़ तक नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट सर्कल में हमारे पास आएगा, ये देखें पिक्चर में ट्रेन लड़के से बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ आएगा 4। फर्स्ट सर्कल में हमारे पास आएगा 4। सेकेंड में है हमारे पास पिक्चर में ये दिखाया है उन्होंने कि लड़के के पास है बहुत ज़्यादा ट्रेन, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊँची आएगी, जैसे कि उन्होंने सवाल में पूछा था कि लाउडेस्ट टू लोएस्ट, तो इधर आएगा 1। थर्ड है हमारे पास ट्रेन फिर थोड़ा सा दूर है, तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी, तो यहां आएगा 2। फोर्थ पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि वो उससे भी थोड़ा सा पीछे हो गई है, यानी आवाज और कम हो जाएगी, तो इधर आएगा 3।